इसको लगाने से कोई नाग नहीं आता। प्लांट्स की अपडेटेड वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मेरा नमस्कार आपको, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस प्लांट को कैसे लगाना है और इसमें कितने दिन के बाद में फूल आएंगे। वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना। तो इस प्लांट के पत्तों की शेप की वजह से ना इसको नाग चंपा का नाम दिया गया है, क्योंकि आप देखेंगे ना इसके पत्तों का जो शेप है वो एकदम नाग के फन जैसा है, मतलब सांप के फन जैसा है, तो इसलिए इसको नाग चंपा बोला जाता है। यही प्लांट एक ऐसा है जो कि चंपा की फैमिली में होते हुए भी ना बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं है, बिल्कुल भी सुगंध खुशबू नहीं है। बाकी के जितने भी चंपा के प्लांट्स अगर आप देख लेते हैं ना, उनके फूलों के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, बट इसमें बिल्कुल भी खुशबू नहीं है। और मुझे इसके फूलों का साइज़ भी ना थोड़ा सा बड़ा लगता है बाकी के चंपा के फूलों से अगर आप कंपेयर करते हैं तो। तो चलिए अब इस परमानेंट हार्डी रफ एंड टफ लो मेंटेनेंस प्लांट को ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 12 इंच का ना सीमेंट का गमला लिया है। तो जो भी फूल वाले पौधे होते हैं ना, उनको आप आराम से 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। तो ये प्लांट ना किसी भी टाइप के गमले में लग जाता है बहुत इजीली, चाहे आप प्लास्टिक का गमला लें या फिर सीमेंट या फिर कोई भी मिट्टी का, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। लेकिन गमले के नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, उसको कवर करने के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे पत्थर कंकड़ हो गए। मैं यहाँ पे ये नारियल के जो है ना छिलके डाले हैं, और मैंने एक प्लांट को रूट प्रून किया था तो उसकी जड़ें भी डाली हैं, और साथ में जो है ना किचन वेस्ट हो गया, घास फूस हो गई, पत्ती हो गई, जो भी मेरे गार्डन में से निकली है वो डाला है मैंने बेस में, ताकि मुझे ना ज़्यादा इसमें खाद देने की ज़रूरत ना पड़े। और इससे ना ड्रेनेज होल जो है वो ब्लॉक भी नहीं होगा, और जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो निकल जाएगा। तो जब भी आपको नज़र आए ना इसकी टॉप सॉइल बिल्कुल ड्राई लगे, तभी आप इसको पानी दें। इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी मॉइस्चर होल्ड करके रखना ना पसंद नहीं है। लेकिन जो जुलाई अगस्त वाला जो रेनी सीज़न है ना हमारा, उसमें ये सर्वाइव कर लेता है, अच्छे से ग्रोथ दिखाता है। बट जो विंटर का बारिश होता है ना, उसमें थोड़ा आपको इसको ध्यान से रखना है। ये प्लांट इतना हार्डी है और इतना सूखा झेल लेता है ना, कि अगर गर्मियों में भी आपने अगर इसको 4-5 दिन पानी नहीं दिया है ना, तब भी ये प्लांट मरता नहीं है। बस थोड़ी सी ना अपनी लीव्स पीली करने लग जाता है, क्योंकि आप पानी नहीं दे रहे हैं, तो कहीं तो वो अपनी ताकत लगाएगा ही प्लांट अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, तो वो अपनी पत्तियाँ झाड़ने लग जाता है, ताकि उसकी जो स्टेम है अंदर से ज़िंदा रहे। तो ये मेरा प्लांट लग चुका है, और जो इसके अंदर मिट्टी है ना वो नॉर्मल गार्डन सॉइल प्लस जो है ना गोबर खाद है वो मिक्स है और कुछ नहीं है। तो ये प्लांट मैंने अगस्त में लगाया था पिछले साल, और ठंड के टाइम पे ना इसकी सारी पत्तियां पीली होके गिर जाती हैं, कुछ भी नहीं बचता, बस एक डंडी सी रह जाती है। तो अभी अपडेट है फरवरी का, तो फरवरी में इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है, और अब मैं इसको प्रून कर रही हूँ ताकि इसमें से और ब्रांचेस निकलें। तो अगर आपने एक स्टेम कट कर दिया, उसके बाद भी ना एक ही स्टेम वापस ग्रो हो रही है, तो उसको भी ना आप कुछ दिनों के बाद में ना कट कर सकते हैं। उसके बाद डेफिनेटली उसमें से ना 2-3 जो ब्रांचेज है निकल के आएंगी। तो ऐसे करके आप ना घना बना सकते हैं अपना प्लांट। अगर आप इस प्लांट को घना बनाना चाहते हैं ना, तो इसमें फूल ना आपको लेट ही मिलेंगे, क्योंकि पहले स्टेम बनने लग जाएगी, तभी तो कली फूल आएंगे इसमें। अगर आप इसकी स्टेम की ना हार्ड प्रूनिंग भी कर देते हैं ना, मतलब ऊपर बिल्कुल 2-3 इंच भी छोड़ते हैं ना, तब भी ये बहुत आसानी से ग्रोथ दिखा देता है। लेकिन बिन मौसम नहीं करना है, बेस्ट रहेगा फरवरी में करें, और हर 15 दिन में ना ऐसे मिट्टी ऊपर नीचे कर दें, मतलब गुड़ाई कर दें। तो जो इसमें एक कटिंग निकली है ना लंबी सी, तो उसके मैंने 2 पार्ट कर दिए, और नीचे से वाइट लिक्विड निकल रहा है, इसको आप ड्राई हो जाने दीजिए, छाया में रख देंगे ना आराम से सूख जाएगा नीचे का पार्ट। तो आराम से आप मिट्टी में इसको 3-4 इंच तक लगा देंगे ना, इसमें रूट बन जाता है, कोई आपको इसमें रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली इसकी रूट्स डेवलप हो जाती है। बस पानी का थोड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादा नमी सी नहीं बना के रखनी है, और धूप में रख दें। फरवरी में ही अगर आप इसकी कटिंग को ग्रो करते हैं ना, या फिर जनवरी के एंड में भी आप कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से इसमें रूट्स आ जाती हैं। तो ये प्लांट अगर आपको कहीं भी दिखता है ना, तो आसानी से आप इसकी कटिंग लेकर आ सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो ये है रिजल्ट कट करने के 20 दिन के बाद में, मतलब मार्च में थोड़ा सा इसमें स्प्राउट निकला है, और अब अपडेट है जुलाई का, तो इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है, बर्ड्स बन रही हैं, मतलब कलियाँ आ रही हैं। जो ये घास फूस उग जाती है ना, इसको हटा दिया करें, नहीं तो ये सारी एनर्जी ले लेती है मिट्टी की। वैसे तो आप इस प्लांट को ना फुल डे के सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन मई जून में जब भयंकर गर्मी होती है ना, तब इसके पत्ते जो है ना वो जलने लग जाते हैं, प्लांट मरता नहीं है।
तो ये प्लांट का अपडेट है, पूरा एक साल हो गया, मुझे भी नहीं पता चला कि कब एक साल बीत गया। इसमें फूल जो है अब जाके आए हैं, क्योंकि मैं बीच में मैंने इसको कट कर दिया था, प्रून कर दिया था मैंने, ताकि इसमें और ब्रांचेस आए, लेकिन इसमें एक ही ब्रांच आई तो फिर मैंने उसको रहने दिया। अब मैं इसको बाद में कट करूँगी फरवरी के टाइम पे ही। तो अगर मैं इसको पहले कट नहीं करती ना, तो आफ्टर 6 to 7 months ना इसमें फूल आने लग जाते। तो इसमें ना लेट फ्लावरिंग हुई क्योंकि मैंने इसको प्रून कर दिया था। बस जो लिक्विड फर्टिलाइजर है ना वो डाला है, वो आप कैसे बना सकते हैं, कोई भी आप सब्जी का पील लेंगे, जैसे आलू हो गया, प्याज, लहसुन, या फिर कोई फल का भी ले सकते हैं, जैसे कि बनाना पील जो है वो तो बहुत ही बेस्ट रहता है प्लांट्स के लिए। तो उसको लेके आप किसी भी बॉटल कंटेनर में डाल देंगे, पानी मिला देंगे, अच्छे से उसको जो न्यूट्रिशन है ना मिक्स हो जाने दीजिए, और एक हफ्ते के बाद में 1:10 का रेशियो करके आप इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं, साथ ही पानी में भी डाल सकते हैं। पानी में डालना है जब आपको मिट्टी ना ऊपर की ड्राई लगे ना, तो वो बेस्ट रहता है प्लांट्स के लिए उसको कंज्यूम करना। और रही बात पेस्ट अटैक की, तो मैंने वो इसमें नहीं देखा है, फिर भी जो है ना इसमें वाइट मिली बग्स जो होते हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के जो कीड़े होते हैं, वो लग जाते हैं। तो अगर आप उनसे बचना चाहते हैं ना, तो ऊपर से इसके पानी से छिड़काव भी कर सकते हैं, और लिक्विड स्प्रे जो है ना वो रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे ना हफ्ते में एक बार, तो इसमें कोई भी पेस्ट अटैक वगैरह नहीं होता इतना। तो ये प्लांट हर मौसम में अच्छे से सर्वाइव कर लेता है, सारे मौसमों को झेल लेता है। मेरा प्लांट छत पे ही रखा हुआ है, और इसकी रूट्स भी अगर टूट जाए, हवा लग जाए, तब भी ये प्लांट आराम से चल जाता है। तो आप चाहे ना पूरे साल भर इस प्लांट की केयर मत करें, लेकिन विंटर्स के टाइम पे हो रही बारिश में ज़रूर एक बार इसको देख लेना, क्योंकि मेरा एक और प्लांट है इससे पहले। तो ये वाला प्लांट ना मेरा 2 साल पुराना है, और बंदर ने इसकी ऊपर से डंडी तोड़ दी थी और बिल्कुल ज़रा सी छोड़ी थी, तो मुझे लग रहा था ये प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा और चल नहीं पाएगा। तो तभी मैं ना दूसरा प्लांट है ना वो लेकर आई, जिसका मैंने आपको पूरा जर्नी दिखाया। तो इसके अंदर ना विंटर के टाइम पे 2 स्टेम जो आपको दिख रही ये टूटी हुई, यहाँ पर ना सड़न हो गई थी, सड़ने लग गई थी वो डंडी स्टेम मतलब, और फिर मैंने उसको निकाल दिया था। तो ये चीज़ का ना आप भी ध्यान रखें, विंटर्स में ज़रूर इसको एक बार नोटिस कर लें। तो इस प्लांट में ना फूल आपको पूरे साल देखने को मिल जाते हैं, यहाँ तक कि लेट नवंबर में भी आपको फूल मिलते हैं। इस प्लांट को आप आराम से 3 साल तक एक ही गमले में लगे रहने दे सकते हैं, उसके बाद में इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए ना इसकी जड़ों को काटें और वापस उसी गमले में लगा दें। बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, और अब मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।